ठीक दिख रहा है प्रॉपर। सही अच्छा, तो हम लोग ये देख रहे थे कि भाई टेस्ट एनजी, ये सबको समझ में आया था। टेस्ट एनजी भी अपने आप में क्या है, एक फ्रेमवर्क है, जो जिसे हम अपने फ्रेमवर्क के साथ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, जिससे उसके बेनिफिट्स, जो उसके फीचर्स है, जो क्वालिटीज है, वो भी हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेमवर्क के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा था कि इसमें सारा खेल आपको अभी तक जो भी दिखा था, सारा सब कुछ किसका दिखा था? एनोटेशन का, है ना। आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट केस जिनको आप बोलते हो, उनके ऊपर एट द रेट टेस्ट नाम का क्या लगा सकते हो, एनोटेशन। क्लियर है ये बात? और जो इसके ऊपर एनोटेशन लगे लगा रहेगा, उसको जो टेस्ट एनजी होगा एज ए टेस्ट केस ट्रीट करेगा और उसको अपने आप रन करेगा बिना मेन मेथड में कॉल किए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई थी। अच्छा, और इसमें चलो ऐसे यहां देख लेते हैं। हमने एक कंसेप्ट किसका देखा था, प्रायोरिटी का, कि हम क्या कर सकते हैं, चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, नंबर एक चीज। ठीक है, और ये भी बताया था जब प्रायोरिटी नहीं देंगे तब क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बात पे और डिस्कस कर रहे थे, किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन मेथड्स के ऊपर। हम चाहें तो किसी मेथड के ऊपर किसी मेथड की डिपेंडेंसी भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इस टेस्ट की बात करें जिसका नाम है वेरी, अभी दिख रहा है आपको वेरीफाई वीटी 002 डिलीट अकाउंट, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेरीफाई वीटी 001 क्रिएट अकाउंट और कॉमा लिख के ब्लैंक है। मान लो दो वहां पे और मेथड्स का नाम या टेस्ट केसेस का नाम मेंशन कर दिया जाए, तो सबसे पहले ये तीनों चलेंगे और इसके बाद फिर तुम्हारा क्या चलेगा, ये तुम्हारा टेस्ट केस चले, है ना। और एक बात तुम्हें याद रखनी है इसमें, ये तीनों तो चलेंगे इसके चलने से पहले, लेकिन ये भी याद रखना है अगर इनमें से कोई, अच्छा इसमें याद रखना कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है, ये दिमाग में रखना है। कभी कभी ऐसा होगा तुम नाम वाम चेंज करोगे और तुम्हारे हिसाब से चल जाएगा, तुमको लगेगा ये ऑर्डर है, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, दोनों तीनों में से किसी को भी पहले वो चला सकता, वो किसी को पहले या बाद में चलाने का एक ही रीजन हो सकता है कि अगर ये जो तीन हैं जो इसके लिए डिपेंडेंसी का काम कर रही है, इनके अंदर खुद भी डिपेंडेंसी सेट हो। आखिर ये भी तो एक टेस्ट केस ही है, ये भी तो एट द रेट टेस्ट करके क्या है, टेस्ट केस है, इनके ऊपर भी तो डिपेंडेंसी सेट। जैसे मान लो ये वेरीफाई वीटी 001, अगर यहां पे नाम लिख के डिपेंड्स ऑन मेथड्स में किसी और का नाम लिख दिया जाए तो चलाने आएगा उसको, वो कहेगा वीटी 002 को चलाओ, इसको चलाओ, वो ये कहेगा नहीं पहले पहले उसको चलाओ। और अदरवाइज आपस में कोई यहां पे फिक्स ऑर्डर नहीं है कौन तीनों में से पहले चलेगा, लेकिन याद रखना अगर ये भी फेल हुआ तो ये टेस्ट केस रन नहीं हो, तब ये टेस्ट केस क्या दिखाएगा रिजल्ट में, इसके पास होते हैं, फेल होते हैं और क्या होते हैं, स्किप होते हैं, तो दिखाना शुरू कर देगा क्या, स्किप, किसको स्किप कर दिया। क्लियर है ये बात? नहीं नहीं, इसमें ऑर्डर सेट नहीं कर सकते, अगर वही कर रहे हैं ना, करना चाहते हो, जैसे एक टेस्ट केस है, दूसरा है, तीसरा है। अब ये तीनों तो वैसे किसी भी ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन इसके अंदर जाके इसकी डिपेंडेंसी सेट कर दो। भाई ये भी तो एक टेस्ट केस ही है, ऊपर एक मेथड जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है एट द रेट टेस्ट, अगर उसके ऊपर डिपेंड्स ऑन में किसी दूसरे का नाम लिख दो, भाई जब इसको चलाने आएगा तो इसको चलाएगा, जब इसको चलाने जाएगा तो वहां पे डिपेंड्स ऑन में किसी और का नाम लिखा रहेगा तो उसको चलाने जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, लेकिन इनमें से कोई भी फेल होगा तो ये चलेगा नहीं। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको, एक और कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू, ध्यान से देखना,
यही एट द रेट टेस्ट के अंदर देख लो, इस एट द रेट टेस्ट के अंदर ना बहुत पैरामीटर भेज सकते हो। देख रहे कितने भेज रहे हैं, प्रायोरिटी बता रहे हैं, डिपेंड्स ऑन भी बता रहे हैं, इसके बाद क्या बता रहे हैं, ऑलवेज रन ट्रू भी बता रहे हैं, इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स भी बता सकते हैं, ट्रू भी बता, मतलब कई चीज बता सकते हैं ना, यहाँ कई पैरामीटर भेज सकते हैं। अब एक पैरामीटर हम भेज रहे हैं क्या, ऑलवेज रन इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब क्या है जानते हो, इसका मतलब ये है कि अगर डिपेंडेंसी न भी चल पाए, डिपेंडेंसी में चलने के टाइम पे कोई एरर आ जाए, फिर भी ये चलेगा, स्किप नहीं होगा। इसीलिए एक वर्ड जोड़ा गया क्या, ऑलवेज रन इक्वल्स टू ट्रू, कि भैया इसको हमेशा ही रन करना, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, जैसे यहां ऑलवेज रन इक्वल्स टू ट्रू है, या हम यहां लिख दें इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या, फॉल्स, इनेबल्ड फॉल्स कर दिए तो समझ लो ये टेस्ट केस अब रहा ही नहीं, अब तो ये चलेगा ही नहीं। ऑलवेज रन ट्रू जो है सिर्फ इसलिए दिया जाता है जब तुम्हें किसी टेस्ट केस को लगता है कि इसकी डिपेंडेंसी फेल होने के बाद भी ये चले, अगर तुम्हें लगता है कि वो डिपेंडेंसी फेल हो जाए फिर भी हमें इसे चलाना है, तब मेंशन करना क्या, ऑलवेज रन इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये तीन चार फीचर इसके पता चल गए, और इस तरह से ये आपका चल रहा है। और आपको क्या पता हो गया है, आपको ये पता हो गया है कि रिपोर्ट जनरेट हो रही है, क्या हो रही है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है कहां पे, क्या समझ में आई कि क्या हो रहा है, रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है जहां पे तीन स्टेटस हो सकते हैं टेस्ट केस के, या तो पास, या तो फेल, या तो स्किप। स्किप का रीजन पता ही चला जब वो न चल पाए, फेल का मतलब है चलने के टाइम पे कोई दिक्कत आ जाए। दिक्कत दो तरह की हो सकती है, क्या बताया गया है आपको, एक आ गया है कि कोई एक्सेप्शन आ जाए, और जो एक्सेप्शन हैंडल्ड नहीं है, अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो बात खत्म। लेकिन अगर कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है, कोई एक्सेप्शन चलते समय आ गई, वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस टेस्ट केस को वहीं क्या कर देगा, फेल कर देगा, और नेक्स्ट टेस्ट केस पे जंप करके चला जाएगा, उसको चलाएगा। हाँ हाँ हाँ, यार ये तो चेक करके देखो, नहीं चला, हाँ तो जो ऐसा नहीं चल रहा है तो नहीं चलेगा, मेरे बताने से थोड़ी चलने लगेगा। हाँ एक चीज हम बता रहे, बात देखो, अब जी एक चीज समझो सिस्टम्स को, अब इस सिस्टम पे यहाँ से चार पांच पैरामीटर दे रहे हैं, एक पैरामीटर कुछ कहता है, एक कहता है, अब देखो यहाँ आप काम करेगा मैथ में जो होता है क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सारी कंडीशंस ये भी नहीं सोचे होंगे, जब तीन चार, जैसे जैसे ऐसे नहीं होता एक जगह जाने के तीन रास्ते हों और तीन से फिर तीन रास्ते निकले, तीन तरीका ना हो, ऐसे करके गुणा होके बड़ा ज्यादा हो जाता है ना, ये वही है, जब चार पांच चीजें छह चीजें रहेंगी जो चीजें एक दूसरे को क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी, तो जब मैथ से ये प्रोबेबिलिटी में अगर होता था ना, पहले हम लोग के मैथ में क्रमचय संचय, हाँ, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे करोगे तो ढेर सारे पॉसिबल वेज निकलेंगे, तो बहुत से पॉसिबल वेज ऐसे भी होंगे जो इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे कि अब भाई हम भी क्या करेंगे, अपनी कंडीशन के हिसाब से ही एनकाउंटर करेंगे। तो जितनी चीजें दिमाग में आ रही हैं, इसीलिए तो हमने कहा इसको चलाओ, और चलाने के बाद इसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो क्या करो, नोट करो, सारी ऑब्जर्वेशन वही, मतलब वही करें, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये देखो फर्क पड़ सकता है, वैसे इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या कर रहे हो, फॉल्स कर रहे हो ना, इनेबल्ड फॉल्स है तो नहीं चलेगा, इनेबल्ड फॉल्स को क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, अगर इनेबल्ड फॉल्स कर दिए तो मतलब ये हुआ कि इसको रन ही नहीं करना। अच्छा उसको, अच्छा वो नहीं चला इसके बाद वाला, हाँ तो भाई ये नहीं चला, ये नहीं चला तो इनेबल्ड इसको फॉल्स कर दिया, तो जब ये नहीं चल पाया तो इसलिए आगे वाले को नहीं चलाया, अब तुमको ट्राई करना था आगे वाले पे ऑलवेज रन बराबर ट्रू करके देखते, तब देखें क्या होता है,
जो नहीं चला बाद वाला उस पर ऑलवेज रन टू करके देखते, तब देखो शायद ऑलवेज रन टू की वजह से ये वाला आगे वाला क्या होता, चल जाता, क्योंकि पीछे वाला नहीं चला फिर भी। लेकिन फिर भी इसमें हम कह रहे हैं ना, बनाने वाले हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, टेस्ट एंट्री जैसा फ्रेमवर्क जावा में करके बना सकते हो। यार क्या है इस फ्रेमवर्क में, इस फ्रेमवर्क में यही तो है, जब इसको हम एक मेन मेथड बना ले, हम क्या बना ले, मेन मेथड, हर क्लास को हम जान जाए कहाँ पे है, हर क्लास के ऊपर जाए, एनोटेशन को दिखाया नहीं एक बार चीज हमने, किसी भी क्लास का नाम डॉट क्लास लिखो, डॉट लिखो तो उसके अंदर की चीजें दिखाई देने लगती है, किसी भी क्लास का नाम लिखो देखो, जैसे यही है मार्केटिंग, जैसे कोई भी क्लास हो डॉट लिखो और क्या लिखो, क्लास लिखो, अब आगे डॉट लगाओ, अब इस क्लास के अंदर इस क्लास में जो चीजें बनी है, कितने वेरिएबल है, कितने मेथड है, कितने वो है, ऐसे मेथड है जिनके ऊपर एनोटेशन है, उनके ऊपर कौन सा एनोटेशन है, सब कुछ निकालने के ये सारे मेथड्स हैं। चाहे तो टेस्ट एंट्री जैसा अपना फ्रेमवर्क लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे अपना एक मेन मेथड बनाएंगे जिसको हम कहाँ रखेंगे, जार के अंदर रखेंगे, और अपने मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, अपने मेन मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, जहां जिस भी क्लास का नाम आएगा डॉट क्लास लगा के उसके अंदर की चीजें देखेंगे, चेक करेंगे किस मेथड के ऊपर एनोटेशन है, फिर देखेंगे एनोटेशन के अंदर क्या है, फिर वहां अपना लॉजिक लिखेंगे, अगर ये है तो इसको चलाना है, नहीं तो उसको चलाना है, इसमें इसको क्या देना है, प्रेफरेंस देना है, वरीयता देनी है, इसको आगे चलाना है, इसको पीछे चला, बन जाएगा। लेकिन वही होता है ना कि हम लोग भाई फिर से क्यों बनाए, जब चीज ऑलरेडी क्या हुई, बनी हुई है, बनाने बैठेंगे तो 6 महीने वे हो जाए, इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, बना देंगे, हो सकता है इससे अच्छा बना दें, लेकिन एक नुकसान और उठाएंगे, एक नया आदमी आएगा तो उसको सिखाना पड़ेगा ना, टेस्ट एंट्री तो कॉमन चीज है, दुनिया सीख रही है ना, इसको यूज करने का ये फायदा ही नहीं है कि बड़ा अच्छा है, इसका यूज करने का फायदा ये है कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो आदमी आएगा वो जनरली इसको जानता होगा, हम इससे अच्छा कुछ बना ले। लेकिन आदमी बुलाएंगे तो पहले 1.5 महीने उसको क्या करेंगे, इसका सिखाएंगे, क्रिटिसिज्म तो हमारे ही पैसे पे तो वो सीखेगा। इसलिए भी हम कई बार क्या करते हैं, जनरल चीजें उठाते हैं, ऐसी चीजें जिसे सारी दुनिया क्या कर रही हो, इस्तेमाल कर रही हो, उसके आदमी मिलना आसान होंगे, उसके बंदे मिलना आसान होंगे, उनके ऊपर ट्रेनिंग का खर्च क्या आएगा, कम आएगा या ना के बराबर आएगा, कोई ऐसी चीज उठाएगी तो दुनिया में यूज हो रही, ठीक है। तो ये चीज है, इसको जरा इस हिसाब से देखो। वैसे जनरली वो बातें याद रखना, कौन कब चलेगा, प्रायोरिटी का क्या होता है, माइनस वाला केस जो बताया था, कुछ वो चीजें याद रखना, और डिपेंडेंसी याद रखना, ऑलवेज रन का मतलब याद रखना, ठीक है। चलो ये क्या है, अच्छा तो ये बेसिक बातें इसकी समझ में आई टेस्ट एंट्री की। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट एंट्री का यहीं देखते हैं, वहां चलाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लेगा। अब टेस्ट एंट्री में एक एनोटेशन तो आपने देख ली जिसका नाम क्या था, @test। अब इसके पास एनोटेशन कुछ और भी हैं जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। जैसे मान लो एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, हम लिखते हैं बी मेथड, कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे हम, है ना, या एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड देख रहे हो। अब ध्यान से देखो, अगर इस मेथड के ऊपर आए @test लगाए तो ये क्या बन जाएगा, टेस्ट केस। लेकिन इसके ऊपर एक एनोटेशन और इस्तेमाल की जा सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बिफोर मेथड। क्या नाम है इसका, बिफोर मेथड। बिफोर मेथड एक ऐसी एनोटेशन है, जब भी अगर यहां पे एक्स वाई जेड लग गया तो जानते हो इसका क्या फायदा होगा, इस क्लास के अंदर मान लो 2 टेस्ट केस है। कौन कौन, test 1, A test 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जानते हो क्या होगा, अब चलाओगे तो ये जो एक्स वाई जेड मेथड होगा वो इस टेस्ट केस के पहले चलेगा और फिर इसके पहले भी चलेगा। नाम क्या है इसका, बिफोर मेथड। तो ऐसा मेथड जिसके ऊपर बिफोर मेथड एनोटेशन लगी है वो हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलेगा। याद करो कुकुम्बर में बिफोर हुक्स था ना, एक बिफोर हुक्स था कि नहीं था,
जो हर सिनेरियो के पहले चलता था और एक आफ्टर हुक्स था जो हर सिनेरियो के बाद चलता था। वहां पे क्या यूज करते हैं, एनोटेशन का नाम बिफोर हुक नहीं था भाई, याद इसलिए करें लिखो इसको, एट द रेट बिफोर था और एट द रेट आफ्टर ओनली। लेकिन यहाँ एट द रेट बिफोर आफ्टर नहीं है, यहाँ एट द रेट बिफोर मेथड, एट द रेट आफ्टर, जब बिफोर मेथड है तो आफ्टर मेथड भी है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये अपने आप हर टेस्ट केस के पहले चलेगा। जैसे वहां था चार सिनेरियो है तो हर सिनेरियो के पहले बिफोर चलेगा और उसके बाद क्या चलेगा, आफ्टर। तो चार बार बिफोर और चार बार आफ्टर, वैसे ही सेम यहां होगा। बिफोर मेथड हर एट द रेट टेस्ट के पहले चलेगा अपने आप। अगर यहां मान लो 10 टेस्ट केस हो एट द रेट टेस्ट वाले, तो बिफोर मेथड भी 10 बार चलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो जैसे बिफोर मेथड है वैसे ही एक मेथड और बनाया जा सकता है, नाम कुछ भी रखो। अब लेकिन नाम हम लोग एक्स वाई जेड नहीं रखते ना यार, नाम थोड़ा ढंग का रखते हैं। चलो ऐसे कर दिया क्या, बिफोर टेस्ट मेथड भी रख सकते थे नाम, ऐसा नहीं है, हाँ लिख देते हैं क्या, बिफोर टेस्ट केस, और इसका नाम ऐसे रख देते हैं क्या। नाम तो कुछ भी रख सकते हो लेकिन नाम अच्छा रखोगे तो बाद में इस्तेमाल करोगे तो आसानी होगी ना। आफ्टर मेथड, मेथड्स नहीं सिर्फ मेथड, और बिफोर मेथड हर टेस्ट केस के पहले चलेगा, आफ्टर मेथड हर टेस्ट केस के बाद चलेगा। तो ये बड़े काम का है यार। अब अपने टेस्ट केस में सोच के देखो, जनरली तुम क्या कर रहे हो, जनरली तुम ये कर रहे हो कि हर सिनेरियो के पहले ब्राउजर लॉन्च करते हो बिफोर में, है ना, ब्राउजर लॉन्च करते हो, ब्राउजर लॉन्च करने के बाद उसका लॉगिन कर देते हो और फिर सिनेरियो में लॉगिन के आगे का काम करते हो, और आफ्टर में क्या कर रहे थे, नवंबर में ब्राउजर को लॉग आउट करके क्लोज कर रहे थे ना, तो वही सेम काम यहां कर सकते हो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड के अंदर। अगर कुकुम्बर नहीं, बीडीडी नहीं, इस टीडीडी फ्रेमवर्क को यूज, अब तो हम टीडीडी यूज कर रहे हैं ना, और वहां अगर हम टेस्ट एनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड बना सकते हैं और उनके ऊपर बिफोर और आफ्टर क्या लगा सकते हैं, एनोटेशन। अगर हम चाहें तो यहां पे हम कोड लिख दें क्या, ब्राउजर लॉन्च करने का, और इसके बाद एक और दो काम कर देते हैं, और क्या करते हैं, लॉगिन कर देते हैं। दो काम हम पहले कर दें और लास्ट में आफ्टर मेथड में क्या कर दें, बिल्कुल यहां लिख देते हैं क्या, लॉग आउट, और यहां कर देते हैं क्लोज, और यहां एट द रेट टेस्ट है, एट द रेट टेस्ट है, दो है यहां टेस्ट केस, यहां प्रिंट भी कर देते हैं। मान लो इसका नाम टेस्ट वन रख देते हैं, इसका नाम टेस्ट टू, यहां लिख देते हैं रनिंग, और यहां लिख देते हैं क्या रनिंग, और इसका नाम बदल देते हैं क्या टेस्ट टू, प्रिंट करा देते हैं। अब चला के चाहो तो देख लो, दो टेस्ट केस चले, दोनों क्या हो गए, पास हो गए। अब अंदर देखो ये बहुत कुछ दिख रहा है, अरे ये लो भाई ब्राउजर लॉन्च दो दो बार हो रहा है। अच्छा नहीं भाई, दो वाली बात नहीं है, ये कंसोल क्या दिक्कत है, इक्लिप्स की तरफ से, मतलब एक बार नहीं दो बार चला दिए और घबरा के एक ही कंसोल में दोनों का क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ये दिक्कत आई थी बस। अब देखो नहीं आया, ये भी टूली तो है, ब्राउजर लॉन्च लॉगिन, देखो पहले कौन चला, बिफोर मेथड चला, बिफोर मेथड में दो लाइन मिलती थी, बिफोर क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च कर देगी लॉगिन, इसके बाद वाली लाइन में क्या था, टेस्ट वन में टेस्ट केस, टेस्ट केस रनिंग, भाई दोबारा टेस्ट केस चला, फिर लॉग आउट हुआ, क्लोज क्लोज हुआ, ये ब्राउजर लॉन्च लॉगिन हुआ, फिर टेस्ट टू चला, फिर लॉग आउट हुआ, और फिर क्या हुआ, क्लोज हुआ। हाँ
क्यों नहीं यार, उसमें सोचो अगर अपने इसके पहले तुम क्या कर रहे थे, हर टेस्ट केस को इंडिपेंडेंट बना रहे थे कि नहीं? लेकिन हर टेस्ट केस को इंडिपेंडेंट बनाते थे तो उसमें दो भाई, हर टेस्ट केस में ये कोड लिखना पड़ता था क्या? वेब यूटिल डॉट लॉन्च ब्राउजर कॉल करते थे, फिर पेज वाइज क्लास का लॉगिन का मेथड कॉल करते थे कॉमन वाला, इसके बाद फिर कोड सिनेरियो टेस्ट केस में जो सिनेरियो वो करना होता था, फंक्शनलिटी टेस्ट करनी होती थी उसको टेस्ट करने का कोड लिखते थे, अंतिम में लॉग आउट और क्लोज मेथड कॉल करते थे। इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसे हम कहाँ रख रहे हैं? इसे हम रख दे रहे हैं बिफोर मेथड के अंदर। तो जो पहले मान लो मेरे यहाँ 10 टेस्ट केस होते, यहाँ मेरे कितने टेस्ट केस होते? 10 टेस्ट केस होते, तो 10 के पहले 10 में 10 के अंदर दो दो लाइन लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती? 10 के अंदर दो दो लाइन लिखनी पड़ती लॉन्च और लॉग इन की, और दो लाइन लिखनी पड़ती लॉग आउट और क्लोज की, चार लाइन एक में पड़ती कि नहीं पड़ती? 10 होते तो कितनी लाइन लिखते? 40 ना। और सेम वैसे ये भी चलेगा भाई, वैसे भी क्या होता है, बोलो भाई, ये समझ में आ रही बात? किस चीज का? अकाउंट वेरीफाई अगर करना है, ये तो तुम्हें एट द रेट टेस्ट के अंदर करना है ना, ये तो टेस्ट केस हो गया, करो अंदर भाई। अकाउंट वेरीफाई करने या अकाउंट पे जाने से पहले पहला काम तो तुम्हें क्या करना होगा? ब्राउजर लॉन्च करना होगा, लॉगिन करना होगा, तब तो अंदर यहाँ पे कोड लिखो। कहाँ से लेके, मान लो यहाँ पे हम कहो तो ऐसा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोड लिखो कहाँ से, मार्केटिंग पे क्लिक करने से लेके और अंतिम में जो भी अगर अकाउंट वाला टेस्ट केस है तो अकाउंट वेरीफिकेशन, ये पूरा कोड इसी मेथड के अंदर लिखो ना। हम कहा क्लास बनाया, लॉगिन तो यहां से होगा ना, बिफोर मेथड से। अरे बिफोर मेथड में ब्राउजर भी लॉन्च होगा और लॉगिन होगा। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं अकाउंट के वेरिफिकेशन का अगर कोई मेथड बनाओगे, जब भी वेरिफिकेशन का मेथड बनाओगे वो तो बनाओगे कहाँ, तुम अपने जेनरिक मेथड या कहीं वेरिफिकेशन का एक मेथड बनाओगे और उसे यहाँ पे क्या करोगे, कॉल कर लोगे, वो तो टेस्ट केस का पार्ट होगा ना। जो वेरीफाई करने से, टेस्ट केस में ही तो लिखा है कि जाके देखो अकाउंट जो बना रहे हो वो सही से बन रहा है कि नहीं, वो टेस्ट केस का पार्ट है ना, वो यही करोगे। लॉगिन करना, लॉग आउट करना, क्लोज करना, लॉन्च करना, ये भी टेस्ट केस का पार्ट था और हम पहले लिख रहे थे जब हम टीडीडी वाले क्लोज में पहले चल रहे थे। अब हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं तो टेस्ट एनजी एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको लगता है कोई काम ऐसा है जो हर टेस्ट केस के पहले करना और कोई काम ऐसा है जो हर टेस्ट केस के बाद करना है, तो उन टेस्ट केसेस में उसको लिखने के बजाय, देखो लिखने के बजाय तुम बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड वाले इनोटेशन वाले मेथड के अंदर रखो। अब क्या होगा, जब ये चलने की बारी आएगी तो पहले ये नहीं चलेगा, पहले क्या चलेगा? बिफोर चलेगा। जब बिफोर चलेगा तो क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा और क्या करेगा, लॉगिन कर देगा। फिर ये टेस्ट केस में तुम मार्केटिंग पे जाओगे, अकाउंट बनाओगे, अकाउंट की जो डिटेल आएगी उसको क्या करोगे, एक्सपेक्टेड एक्चुअल को क्या करोगे, मैच करके वेरीफाई करोगे, सारा काम कहाँ करोगे, इसके अंदर। और इसके बाद अंतिम में चल जाएगा कौन, आफ्टर मेथड, एट द रेट आफ्टर मेथड वाला मेथड, जो एनोटेशन वाला मेथड है वो चल जाएगा, वो चलेगा तो लॉग आउट क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर दूसरे टेस्ट केस का नंबर आएगा तो फिर अपना वो क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, लॉगिन करेगा, फिर दूसरा टेस्ट केस अपना काम करना शुरू करेगा। हाँ और क्या यार, देखो ये इसीलिए तो यहाँ पे हमने ये लिखा है। हाँ फिर हमने हम क्या लिखा है, हमने ब्राउजर लॉन्च और यहाँ हमने असली कोड नहीं लिखा है। अब चाहो तो क्या लिख दो, जैसे मान लो हम यहाँ आ जाए, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, ये टेस्ट केस है ना, यहाँ आखिर कर रहे हो ना तुम ब्राउजर लॉन्च, ये लॉन्च ब्राउजर। अब अगर हम लॉन्च ब्राउजर भी कर रहे हो, हिट यूआरएल कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, मान के चलो अच्छा इतना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ, इतना चार काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब हम ये कह रहे हैं कि ये चार काम का कोड उठाओ और क्या करो, एक मेथड बना दो जिसका नाम रख दो पब्लिक वाइड, कुछ भी नाम रखते हैं, बिफोर मान लो टेस्ट केस रख दो ऐसे, और इसके ऊपर
बिफोर मेथड नाम का क्या लगा दो, एनोटेशन, और ये कोड यहां लिख दो। अब लो जी, अब कहां दिक्कत है, इस सीसी की दिक्कत हो रही है ना, इस सीसी वेरिएबल की। कोई बात भाई, देखो ये इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि सीसी यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल है। इस मेथड में तो यूज होगा, इस मेथड में यूज नहीं होगा। तो एक काम करो, ज्यादा परेशान होना कहाँ है तुम्हें, बस इसे कॉपी करो, लोकल के बजाय इसे क्या बना दो, नॉन स्टैटिक बना दो यार, ग्लोबल मत बनाओ, और इसे क्या बनाओ, प्राइवेट कर दो, यही यूज होगा। अब लो और हटा दो इसको, लो जी अब चलेगा। अब हर टेस्ट केस से पहले जो ये चार लाइन लिख रहे थे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिफोर मेथड का फायदा है। ऐसे ही टेस्ट केस में अंतिम में तुम कर रहे होगे लॉग आउट क्लोज, कर रहे हो ना लॉग आउट माई क्विट, और क्या क्या कर रहे हो, ये तीन लाइन लिख रहे हो ना हर टेस्ट केस में। अगर तुम्हारे पास 100 टेस्ट केस होंगे तो 300 लाइन लिखोगे नहीं, ये वाली तीन तीन लाइन हर जगह हर टेस्ट केस में डालोगे, ये वाली और चार चार लाइन वो वाली, तो हर टेस्ट केस में 7 लाइन डालोगे, और 500 टेस्ट केस है तो 3500 लाइन फालतू डालोगे। ये चीज बचाने के लिए एक कंसेप्ट है टेस्ट केस में लिखने के बजाय। अगर लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें लगता है कोई चीज ऐसी है जो इस क्लास के अंदर के सारे टेस्ट केसेस के पहले सेम काम अगर हमें करना है, जैसे वहां बैकग्राउंड नहीं यूज कर रहे थे, वहां हुक्स नहीं यूज कर रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या काम करता है, बिफोर मेथड एनोटेशन और आफ्टर मेथड एनोटेशन, जैसे इसको चेंज कर लो अपना। लो जी ये हो गया, जैसे एक बिफोर मेथड बनाए हो और एक क्या बना लो, बिफोर टेस्ट केस बनाए हो, इसको क्या बना लो After, यहां बिफोर की जगह लिख लो क्या, ए कैपिटल में लिखो, बी सॉरी, और इसको एक बार क्या कर लो, इंपोर्ट करो, और इसके अंदर का कोड क्या करो, चेंज करो, ये जो तीन लाइन का कोड है भाई, ये लो, ये डाल दो कहां, आफ्टर मेथड के अंदर। सब लोग ध्यान से देखो, इसे इंप्लीमेंट करो भाई, क्या करो, मैसेज यूनिक रहेगा, उस बारे में अभी देखेंगे, अभी या तो मैसेज नहीं रखते हैं या मैसेज यूनिक रहेगा। लेकिन ये चीज देखो, तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ये जो 4-3-7 लाइनें हैं जो बार बार तुमको लिखनी पड़ रही थी, ये बार बार तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको बिफोर मेथड में डाल दिया तो हर टेस्ट केस के पहले अपने आप चलेगा, आफ्टर मेथड में डाल दिया तो सबके बाद चलेगा, हर टेस्ट केस के बाद। समझ में आया बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, बड़े काम की चीज है ये। अब और एक चीज बताते हैं, लेकिन याद रख लेना एक बात, ये बिफोर मेथड ये आफ्टर मेथड सिर्फ इसी क्लास के अंदर काम करेंगे। अगर कोई दूसरी क्लास है, यहां से समझना, अगर कोई दूसरी जैसे यहां पे मार्केटिंग अकाउंट वाली क्लास है, ठीक है, एक मार्केटिंग लीड है ना, तो यहां पे वो एनोटेशन काम नहीं करेगा, यहां बिफोर मेथड आफ्टर मेथड अलग से बनाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात अब, कि इसको जिस क्लास के अंदर मेंशन करोगे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, ये उसी क्लास के अंदर काम करेगा। मान लो इस क्लास के अंदर 20 मेथड हो, 20 टेस्ट केस हो, तो 20 के लिए ये काम करेगा, अलग क्लास के 10 टेस्ट केसेस के लिए हमें अलग से बिफोर मेथड आफ्टर मेथड बनाना पड़ेगा। याद रहेगी ये बात। अब इन लोगों ने कहा, जब बिफोर मेथड आफ्टर मेथड दिया, तो इन्होंने कहा भाई हम ऑप्शन आपको और भी देते हैं। इन्होंने एक और एनोटेशन बनाई जिसका नाम रखा बिफोर, देखो एट द रेट बिफोर क्लास, और एक बनाई एट द रेट आफ्टर क्लास। इन्होंने कहा ये भी मेथड होंगे, जैसे ये मेथड है वैसे ये भी क्या होंगे मेथड, ये भी मेथड के ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन जिस मेथड के ऊपर लगाए जाएंगे वो, इसका नाम क्या, देखो नाम से पढ़ो ना क्या नाम है, बिफोर क्लास। अगर इस क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस हैं, 10 एट द रेट टेस्ट वाले हैं, तो बिफोर क्लास उन 10 से पहले एक बार चलेगा, और आफ्टर क्लास उन 10 के बाद एक बार चलेगा। जैसे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड तो हर टेस्ट केस के पहले एक बार चल रहा था और बाद में आफ्टर चल रहा था, इसके साथ ऐसा नहीं है, 10 है ना, तो उन 10 के पहले सिर्फ एक बार बिफोर क्लास चलेगा, और 10 के बाद सिर्फ एक बार।
बात समझ में, चलो दिखा देते हैं ज्यादा क्लियर होगा। चलो यहां बना के दिखाते हैं पहले। इसमें मान लो हम दो मेथड और बनाए, ऊपर रखो नीचे रखो ये फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है कि उनके ऊपर एनोटेशन का नाम क्या लिखा है। जैसे इसका नाम रख दें हम मान लो बिफोर, और ये इसका नाम लिख दें आफ्टर। लेकिन अब ध्यान दो, अब यहां पे नाम नहीं है इसका, बिफोर मेथड नहीं है, क्या नाम है? बिफोर क्लास है। और इसका नाम क्या है? आफ्टर क्लास। ये बिफोर मेथड तो हर टेस्ट केस के पहले चलेगा, और बिफोर क्लास इस टेस्ट केस के, इस क्लास की सारे टेस्ट केसेस के पहले एक बार से चलेगा, और आफ्टर क्लास अंतिम में चलेगा। तो मतलब अगर बात करें तो ये जो तुम्हारा क्या है बिफोर क्लास, ये तो चलो अभी समझ में आ जाएगा क्या, लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है आखिर बिफोर क्लास में रखेंगे क्या और आफ्टर क्लास में रखेंगे क्या। तो देखो पहली बात तो ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं हमको बिफोर क्लास की जरूरत ही नहीं है। तो टेस्ट एंजी ऐसा थोड़ी ही कहता है कि हमें यूज करोगे तो ये यूज करना पड़ेगा। भाई टेस्ट एंजी ने 100 फीचर दिए, लोग अपने अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी जरूरत के हिसाब से होता है वो यूज करते हैं, जो नहीं होता वो यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिफोर मेथड भी यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, बिफोर क्लास भी यूज करते हैं। उन लोग कई बार ऐसा लॉजिक लगाते हैं, ऐसा क्या काम है जो भाई एक बार करना है। तो बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो ब्राउजर लॉन्च वाली लाइन है, कौन सी ब्राउजर लॉन्च वाली लाइन है, ये रखते हैं बिफोर। मतलब बहुत लोग का ये प्लान होता है कि एक क्लास के अंदर मेरे 10 टेस्ट केस हैं, तो शुरू शुरू में एक बार ब्राउजर लॉन्च करें, शुरू शुरू में एक बार क्या करें ब्राउजर लॉन्च करें, फिर बिफोर मेथड के अंदर लॉग इन करें, फिर टेस्ट केस के अंदर टेस्ट केस अपना वेरीफाई करें, फिर आफ्टर मेथड के अंदर क्या करें लॉग आउट करें, क्लोज ना करें, फिर दूसरे टेस्ट केस का बिफोर मेथड क्या करें लॉग इन करें, फिर दूसरा टेस्ट केस चले, फिर अंतिम में क्या हो लॉग आउट हो। मतलब जो ब्राउजर है ये बार बार लॉन्च और क्लोज ना हो। अगर यहां मान लो 10 टेस्ट केस है तो 10 के पहले सिर्फ एक बार क्या हो ब्राउजर लॉन्च हो, अंतिम में एक बार क्या हो क्लोज हो, और बिफोर मेथड आफ्टर मेथड जो है ये लॉग इन और लॉग आउट करें। आई बात समझ में आप? जैसे यहां देखो हम इसको चेंज कर देते हैं, बिफोर क्लास में ब्राउजर लॉन्च रख देते हैं, बिफोर टेस्ट केस में क्या कर देते हैं लॉग इन रख देते हैं, आफ्टर क्लास में क्या कर देते हैं, आफ्टर क्लास में कर देते हैं, इधर देखो आफ्टर क्लास में हम कर देते हैं क्या क्लोज, और आफ्टर मेथड में कर देते हैं क्या लॉग आउट। अब चला के देखो चला देखो ब्राउजर लॉन्च पहले हर बार कर रहा था ना, अब ब्राउजर लॉन्च एक बार किया क्योंकि बिफोर क्लास में था, ये एक बार चला, फिर देखो क्या चला लॉगिन मतलब बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर लॉग आउट, फिर लॉगिन, फिर टेस्ट केस, फिर लॉग आउट, और अंतिम में एक बार क्या चला क्लोज चला। अगर 10 टेस्ट केस भी होते तब भी ब्राउजर लॉन्च कितनी बार होता है, एक बार, क्योंकि वो कोड हमने कहां लिखा है बिफोर क्लास के अंदर। तो बहुत से लोग ऐसा भी लेके चलते हैं और बहुत से लोग नहीं चलते। जैसे हम लोग अपने बताएं अपने ऑटोमेशन में हम लोग नहीं लेके चलते, हम लोग कहते हैं भैया बिफोर मेथड में ब्राउजर लॉन्च करेंगे, जो करना है बिफोर मेथड में करेंगे, बिफोर क्लास में हम लोग नहीं करते। लेकिन फिर भी तुमसे पूछेगा कि बिफोर क्लास का क्या यूज करोगे तो तुमको यही बताना कि जैसे हमारे यहाँ ये प्लान था कि एक बार ब्राउजर लॉन्च हो, सारे टेस्ट के चले, अंतिम में क्या कर दे क्लोज कर दे। तो हम बार बार ब्राउजर लॉन्च करेंगे क्लोज करेंगे, इसमें क्या होगा मेमोरी भी ज्यादा खर्च होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हमने सोचा लॉन्चिंग और क्लोजिंग शुरू में और अंत में करें, और लॉग इन लॉग आउट बार बार हर टेस्ट केस के लिए करते। आई बात समझ में? अब सब बेस्ट है, वो सामने वाले से कैसे भी करके वो इंटरव्यू निकालना है, इसके बाद अंदर जाना है। अगर तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुम्हें जैसा लगे, तुम्हें लगता है कि देखो ये भी डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर। कई जगह हम लोग जैसे कर रहे हैं मजबूरी है क्योंकि नहीं तो जहाँ हैंग होने लगेगा, हम लोग अपना जान रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं।
तो बहुत सी जगह ये रहेगा, हम अपना वो रखेंगे तो कुछ भी अच्छा होता है, या फिर कई बार ये होता है जैसा आपके ऊपर वाला बोल रहा वैसा करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, है ना, क्योंकि भाई ये हमेशा याद रखना है भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान उसका रखना है जो जस्ट तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी जिंदगी हराम वही करेगा, ये कभी मत सोचना कि उसको बाईपास करके जाके ऊपर ये कर ले, उसको पटा ले, ये कर ले, फंस जाओगे। टाइम उसी के साथ बिताना होगा। तो सबसे पहले जैसे होता है ना जनरल आर्मी में कि आपका जो रिपोर्टिंग है बात, अब बस आपको उसकी बात सुननी है, अब आगे ऊपर नहीं जाना है, तो यही करना है यहाँ भी काम करने के टाइम पे भी, तभी सुकून से रहेंगे। ठीक है, और अपने सीनियर्स के काम में कभी कमी नहीं निकालनी है। तुम ही सोचो अपने सीनियर काम में कमी निकालो तो क्या हाल करेगा, ऐसा थोड़ी ना अगले दिन जूनियर बन जाएगा तुम्हारा, वो तो रहेगा सीनियर ही, लेकिन उसको ये बात जरूर याद रहेगी कि इससे कमी निकाल रहा था। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखना। हाँ, यही लाइफ सीन है, लेकिन ये चीजें बोलनी नहीं है। अच्छा, ये देखो, तो बिफोर क्लास और बिफोर मेथड समझ में आया, आफ्टर क्लास और आफ्टर मेथड समझ में आया, है ना। अच्छा, वैसे ही इसके पास देख रहे हो तो और भी एनोटेशन है, वो भी देखो। जैसे एक एनोटेशन और है जिसका नाम है बिफोर टेस्ट, यही इंटरव्यू में पूछते हैं, इसी के बारे में खास कर पूछेंगे तुमसे, क्योंकि सब अपने नाम से लग जाते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये कंफ्यूज करता। जिसका नाम क्या, देखो नाम से क्या लग रहा है, बिफोर टेस्ट। तो अब बिफोर टेस्ट अगर नाम से लग रहा है तो तुम्हें लग रहा होगा, अब जनरल कोई किसी से पूछता है कि बिफोर टेस्ट कब चलेगा, जैसे ये बिफोर मेथड है, चलो यहां बना देते हैं एक और, इसका नाम रख देते हैं मान लो क्या, बिफोर टेस्ट, और इसका नाम लिख देते हैं, देखो क्या लिख रहे हैं हम, नाम बिफोर टेस्ट टैग। ये नाम छोड़ो, नाम तो हम एबीसीडी लिखते तब भी चलता, और यहां हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दिया, कनेक्ट, कुछ भी लिख दिया, कनेक्ट टू डेटाबेस। अब यहां क्या लिखा हमने, बिफोर टेस्ट। अब नाम से ये जनरली लगता है टेस्ट केस को बोलते हैं एट द रेट टेस्ट, तो इसीलिए जनरली लोग पूछते हैं टेस्ट केस के पहले, एट द रेट टेस्ट के पहले कौन चलेगा, तो लोग जवाब दे देते हैं बिफोर टेस्ट, जो कि जवाब क्या है, गलत है। पहली चीज, क्योंकि टेस्ट एट द रेट टेस्ट के पहले कौन चलता है, बिफोर मेथड चलता है, बिफोर टेस्ट नहीं चलता। और एक सवाल तुमसे पूछते हैं, बताओ बिफोर टेस्ट पहले चलेगा कि बिफोर क्लास। अब देखो सब सबके मुंह से निकलता है बिफोर क्लास, इसी क्लास के अंदर बिफोर टेस्ट भी रह रहा है, इसी के अंदर क्या रह रहा है, बिफोर क्लास। तो सबको लगता है बिफोर क्लास का मतलब क्लास में सबसे पहले चलता है, तो सबसे पहले क्या चलेगा, बिफोर क्लास। लेकिन चलो चला के देख लेते हैं, और देखो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ है, कनेक्ट टू डेटाबेस, मतलब देख रहे हो बिफोर टेस्ट इवन बिफोर क्लास के भी पहले चला। और जनरल दिमाग में नाम से लोगों की फीलिंग आती है, नाम बिफोर टेस्ट है तो टेस्ट केस के एट द रेट टेस्ट के पहले चलता होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिफोर क्लास से भी बड़ा है, बिफोर क्लास से भी पहले चलता, बार बार नहीं चलेगा, इस पूरी क्लास में कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, लेकिन बिफोर क्लास के पहले। तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में यही तो, कि बिफोर क्लास चल पहले चलेगा कि बिफोर टेस्ट, हमेशा जवाब दोगे सर बिफोर टेस्ट। अभी आगे ये भी पूछेगा क्यों, तो चलो आगे अभी एक फाइल दिखाएंगे तब उसका रीजन समझाएंगे क्यों, लेकिन ये याद रखना पहले बिफोर टेस्ट चलता है, उसके बाद बिफोर क्लास। और ऐसे ही सेम जैसे एक मेथड हम और बना दें, जैसे बिफोर टेस्ट बना रहे हैं, एक क्या बना दें, आफ्टर टेस्ट। और इसका नाम लिख दे क्या, नाम में देखो टैग वर्ड जोड़ रहे हैं, आगे समझाएंगे नाम ऐसा क्यों रखा। ठीक है, और इसको लिख देते हैं जैसे कनेक्ट किया था वैसे क्या कर दें, डिसकनेक्ट कर दें। तो ऐसा होता है कई बार, बहुत से लोगों को भाई एसक्यूएल तो थोड़ा बहुत अब देखे हो ना,
तो डेटाबेस होता है ना, तो बहुत से लोगों को डेटाबेस से जब भी क्वेरी चलानी होती है, कोई भी डेटाबेस हो, पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है क्या? पहले डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तब डेटाबेस में क्वेरी चलाते हैं। अभी तो तुम लोग लोकल पे बना रहे होगे तो शायद नहीं करना पड़ रहा होगा, कंपनी में काम करोगे तो जब भी कोई डेटाबेस होगा तो उससे क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, तब क्वेरी चलती है। और अंतिम में क्या करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं, जिससे कनेक्शन, मतलब कहते हैं ना कनेक्शन ओपन करना और कनेक्शन क्या करना, क्लोज करना। तो पहले कनेक्शन ओपन करते हैं और बाद में कनेक्शन क्या करते हैं, क्लोज। जब ओपन करोगे तो कनेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, क्लोज करोगे कनेक्शन तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब डेटाबेस पे क्वेरी फायर नहीं होगी। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि इन 10-20 टेस्ट केसेस से पहले वो डेटाबेस से कनेक्ट कर ले, क्योंकि इन 10-20 टेस्ट केसेस को डेटाबेस की क्वेरी ऑटोमेशन से चलानी है। एक दिन दिखाएंगे, बहुत बड़ा कोड नहीं है, 10 लाइन का कोड है, डेटाबेस से आराम से किसी भी वी टाइगर है ना तुम्हारा, किसी भी डेटाबेस से कोई भी वैल्यू निकाल के ले आएंगे। बस पता होना चाहिए डेटाबेस में टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, इसके बाद यहीं से कोड से चलाएंगे और सारा डेटा वो डेटाबेस से उठा के लाएगा। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कई बार कि डेटाबेस से कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना, तो बिफोर टेस्ट में ये कोड लिख देते हैं। अगर तुमसे पूछेगा बिफोर टेस्ट में क्या रखते हो, तो यही जवाब देना कि कह दो हमारे यहाँ टेस्ट केसेस कई ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड है, जहाँ पे हमें डेटाबेस से भी डेटा उठाना है, तो उनके लिए हम बिफोर टेस्ट में डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं और आफ्टर टेस्ट में डेटाबेस से क्या कर देते हैं, डिसकनेक्ट। इसमें असली कोड लिख दोगे, जैसे देखो नहीं असली कोड यहाँ लिख दिया, यहाँ असली कोड लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ऐसे डेटाबेस वाला भी असली कोड लिख देंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बस 4-6 लाइन का कोड है, इससे बड़ा कोड नहीं है। ये बात समझ में आई? तो बिफोर टेस्ट। अब ऐसे ही एक और है, बिफोर सूट, और एक है आफ्टर सूट। अब यहाँ कुछ भी नाम रख दें। अच्छा एक बात बोला ना आप लोगों को बताने के लिए, हमने अभी एक्सटेंड रिपोर्ट, तो आगे हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंड रिपोर्ट बनाएंगे। तो एक्सटेंड रिपोर्ट बनाने के लिए तुमको एक याद, वहां देखोगे एक्सटेंड रिपोर्टर नाम की एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को जगह जगह क्या करना होगा, यूज करना होगा, एक बार बनाना होगा शुरू में बस। तो इन्होंने एक मेथड दिया जिसका नाम क्या रखा, बिफोर, एक एनोटेशन दिया जिसका नाम रखा बिफोर सूट। बिफोर सूट ऐसा एनोटेशन है जो सबसे पहले चलता है। पहले बात तो सूट किसे बोलते हैं, बताया है ना, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस कलेक्टेड टू एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जो कलेक्ट किए गए हैं टेस्ट केसेस, उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट बोलते हैं। मतलब 10, 20, 50, 100, 200, 500 टेस्ट केसेस का एक क्या होता है, टेस्ट सूट होता है। तो जो ये बिफोर सूट है वो उन 500 के पहले एक बार चलेगा और आफ्टर सूट लास्ट में एक बार चलेगा। तो अगर हम लोग अपने ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्या करेंगे, तो हम लोग अभी बताएंगे तुमको, हम लोग यहाँ कोड लिख देंगे एक्सटेंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन यहां कर देंगे और बाद में, और एक बनाएंगे कैसे, क्या जैसे बिफोर सूट बनाया है वैसे एक बनाएंगे क्या, आफ्टर सूट, वो आफ्टर, अच्छा बना है, हाँ इसका नाम रख देंगे आफ्टर सूट। बिफोर प्लस आफ्टर सूट, और यहां पे लिख देंगे कोड एक्सटेंड रिपोर्ट फाइनलाइजेशन, अंतिम में सब फाइनल कर देंगे। तो ये फाइनल करने वाला काम शुरू में करना है और एक्सटेंड रिपोर्ट को इनिशियलाइज करने वाला काम लास्ट में, और पहले करना और फाइनल करना अंतिम। तो ये देखो, ये इतने एनोटेशन याद रखो, कौन कौन से हैं, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, फिर आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट। तुम्हें याद रखना है इस बात को, ये इंटरव्यू में पूछेंगे टेस्ट एनजी के एनोटेशंस बताओ, अक्सर पूछेंगे, और साथ में ये कहेंगे इनके चलने का फ्लो बताओ। तो जिस ऑर्डर में चलते हैं ये, उसी ऑर्डर में
बताओ, वो तुमसे ऐसा बोलेंगे, तुम देखना कहोगे पहले बिफोर सूट चलेगा, फिर बिफोर टेस्ट चलेगा, फिर बिफोर क्लास चलेगा, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, फिर आफ्टर मेथड, फिर इसके बाद आफ्टर क्लास, फिर आफ्टर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, इसके बाद लास्ट में आफ्टर सूट, और सब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये फ्लो जरूर याद रखना, ये हर इंटरव्यू में पूछने वाला सवाल है। तो क्लियर हुआ, ये चला के भी देख लो। अब चाहो तो देख लो, एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइजेशन सबसे पहले चला कि नहीं चला? और अच्छा, आफ्टर नहीं डाला है क्या कुछ? फाइनलाइजेशन भी तो डाला था, चलना चाहिए इसको भी ना भाई। और नीचे कहाँ चले? अच्छा, हाँ यार, ये सबसे लास्ट मिलेगा। ये कौन सा है? आफ्टर सूट है, सब एकदम बंद करने से पहले, सारी चीज खत्म करने से पहले सबसे लास्ट में ये चलाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया? और उसके पहले कनेक्ट टू डेटाबेस जो बिफोर टेस्ट था, ब्राउजर लॉन्च जो बिफोर क्लास था, लॉगिन जो था बिफोर मेथड, टेस्ट केस और लॉग आउट मतलब वही आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, और लास्ट में क्या? आफ्टर सूट। हाँ, फाइनल की तरह। अच्छा, फाइनल, फाइनली की तरह। एक मिनट, अब देखो पहले, अब ये चलते कैसे? पहली बात तो ये समझ में आया। अब ये देखो, पहले जब भी तुम्हारा चलेगा तो सबसे पहले क्या चलेगा? बिफोर सूट चलेगा। फिर ये अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारा ये बिफोर मेथड है, ये किसके पहले चलेगा? टेस्ट केस के पहले। तो याद रख लेना, अगर बिफोर मेथड फेल हुआ, अगर बिफोर मेथड फेल हुआ तो याद रखना इस बात को, टेस्ट केस नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। अगर बिफोर मेथड, मान लो ये बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा? दो बार चलेगा ना, दो टेस्ट केस है तो। मान लो पहली बार सही से चल गया, ऐसा कई बार होता है, दूसरी बार चल रहा था वेट की वजह से या किसी वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर बिफोर मेथड फेल हुआ तो बिफोर मेथड के बाद टेस्ट केस चलने वाला है ना, वो टेस्ट केस फिर चलेगा नहीं। लेकिन जो आफ्टर है उसका बिहेवियर, जैसे वहां आफ्टर का नहीं था बिहेवियर, उसमें कुंबर में हुक्स में कि वो फाइनली क्लास की तरह था ट्राई कैच के, कि भैया अंतिम में चलता ही चलता था, चाहे टेस्ट केस पास हो, चाहे फेल हो, चाहे स्किप हो, चाहे जो हो, वैसा ही सेम यहां भी होता। आफ्टर जो मेथड है, आफ्टर क्लास जो है, आफ्टर वाली चीजें तो चलती ही चलती हैं। लेकिन याद रख लेना, अगर बिफोर वाली चीज फेल हो गई, बिफोर मेथड फेल हो गया, तो वो टेस्ट केस तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्किप। जैसे अगर यहां लिख दे, ध्यान से देखो, ए बराबर 1/0। अब ये भाई, अब ये तो क्या होगा, दोनों टेस्ट केस के पहले यही चलेगा सेम कोड, तो क्या हो जाएगा? दोनों बार फेल होगा। ये देखो चल गया, और यहां कलर देखो, भले यहां भी देखा करो, ये येलो कलर से आ रहा है ना, ये बता रहा है ना बिफोर टेस्ट केस में क्या हो गई, दिक्कत आ गई। ठीक है, टेस्ट वन, आफ्टर टेस्ट केस, फिर क्या हुआ? बिफोर टेस्ट केस जो था दोबारा, फिर उसमें दिक्कत थी। और यहां जाके देखो कहां गया तुम्हारा रिपोर्ट, जब जनरेट होके आती है ना, कहां पे? टेस्ट आउटपुट में, यहां राइट क्लिक करो। ये इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं कि अगर बिफोर मेथड फेल हो गया तो तुम्हारे टेस्ट केस का क्या होगा? ये देखो, ये सब क्या हो गया यार, सब कुछ स्किप हो गया। स्किप हो गया कि नहीं हो गया? इवन यार ये तो यहां देखो, और
और यहां पे देखते हैं देखो यहां CSF चला पहले, ये बिफोर मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन नहीं भाई देख लो भाई हम गलत बोल रहे हैं, सही करो। आफ्टर मेथड भी क्या हो गया, स्किप हो गया, बूमर जैसा बिहेवियर नहीं है। हाँ मतलब जो भी है ना, देखो गड़बड़ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्राउजर का लॉन्च होना ही गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ब्राउजर लॉन्च हो, यूआरएल हिट करने में दिक्कत आए, हो सकता है यूआरएल हिट करे लेकिन कुछ और करने में दिक्कत आए, मतलब इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, कई कोई भी हो सकता है भाई, जैसा कोड लिखोगे वैसा इशू आएगा। लेकिन एक फ्रेमवर्क है भाई, देखो फ्रेमवर्क है, जादू नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन इनको रखना पड़ेगा ना कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना। लेकिन ये याद रखना, ये बोल देना कि बिफोर मेथड फेल होगा, वैसे आफ्टर मेथड के चक्कर में वो नहीं आएगा, जो पूछेगा वो पूछेगा बिफोर मेथड अगर फेल हो गया तो टेस्ट केस का क्या होगा। ठीक है तो क्या जवाब दोगे कि भाई स्किप हो जाएगा एक बार। अच्छा लेकिन याद रख लो इस टेस्ट केस में मेंशन किया है तो इस टेस्ट केस के लिए चलेगा, अगले में मेंशन करेंगे तो किसके लिए चलेगा? अगले के लिए। मान लो मेरे पास एक एक क्लास में 20-20 टेस्ट केस हैं और ऐसी मेरे पास 50 क्लासेस हैं, तो 50 जगह पे हमें ये बिफोर मेथड आफ्टर मेथड बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमको बताया ना कि लिखोगे इस क्लास के अंदर तो इसी क्लास में काम करेगा, दूसरी क्लास के लिए बिफोर मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है लेकिन अब इसी वजह से इसी के सलूशन के लिए लोग जानते हो क्या करते हैं, ये बहुत तरीका अब इस समय लोग यूज कर रहे हैं। देखो जनरली क्या होता है कि हमारे हर टेस्ट केस के पहले जो चीज करनी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि लीड्स के टेस्ट केस में कुछ और करना है और उसके टेस्ट केस में कुछ और करना है। अब भाई चाहे लीड्स का टेस्ट केस हो, चाहे अकाउंट का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे सेल्स का हो, सब में तो वही काम करना है, बिफोर मेथड में लॉगिन करना है, आफ्टर मेथड में लॉग आउट करना है, बिफोर क्लास में ब्राउजर, ये सब काम कॉमन है ना। अब अगर मान लो ऐसी 50 क्लास बना रहे हो, एक मार्केटिंग के लिए, एक सेल्स के लिए, ऐसे करके ढेर सारी बना रहे हो, तो हर जगह लिखोगे ना। अब इसके लिए ध्यान से देखना ये चीज, ये अपने इंटरव्यू में फ्रेमवर्क के एक्सप्लेनेशन में जरूर बोलना है। इसीलिए कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बना लेते हैं और इसका नाम कई बार रख देते हैं लोग क्या, बेस टेस्ट, बेस मतलब आधार, टेस्ट, और इसके बाद कर दिया फिनिश, और इसी क्लास के अंदर ये बिफोर आफ्टर सारे रख, और इस बेस्ट टेस्ट को गए लेके और क्या क्या किए, ध्यान से देखो, टेस्टिंग टेस्ट एनजी जो ये क्लास है टेस्ट, भाई ऐसे कई क्लासेस होंगी ना, इसी के अंदर आए और यूज किए कीवर्ड कौन सा, इनहेरिटेंस। ये तुमको बताना है कि जब पूछेगा कहेगा ना ऊप्स कंसेप्ट कहां इस्तेमाल किए, क्या नाम रख दिया हम इसका, बेस्ट टेस्ट। अब मेरे पास मान लो ऐसी 50 क्लासेस हैं, एक सेल्स की है, एक लीड्स की है, एक अकाउंट की है, एक मार्केटिंग की है, और सबका बिफोर आफ्टर अगर सेम ही है तो सारा बिफोर आफ्टर रख देंगे कहां, एक बेस्ट टेस्ट के अंदर, और इस बेस्ट टेस्ट को हर टेस्ट केस वाली क्लास के अंदर क्या कर देंगे, यही तो फायदा है ना एक्सटेंड करने का इनहेरिटेंस का, उस चीज को अब हमें हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है और वो सबके लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी करोगे तुम जब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे जो टेस्ट केस हैं जनरली हर टेस्ट केस में चीजें करने वाली पहले पहले और बाद में करने वाली चीजें क्या हैं, कॉमन है और जनरली ऐसा ही रहता है। तुम बोलोगे अपने जब टेस्ट केसेस का, जब अपने फ्रेमवर्क का इसका एक्सप्लेनेशन दोगे तो बताओगे
कि भाई तुमने पेज वाइज क्लासेस बना रखी हैं, जेनरिक मेथड ये सब बताओगे उसको, बना के पेज वाइज क्लासेस में कोड लिख रखा है, फिर उसको कहाँ यूज करोगे, कहोगे फिर कहोगे उनको हम टेस्टेंजी क्लासेस के अंदर टेस्टेंजी टेस्ट केसेस में क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर ये बोलोगे कि देर आर टू मेनी थिंग्स दैट इज कॉमन फॉर ऑल द टेस्ट केसेस, जस्ट लाइक बिफोर मेथड, बिफोर क्लास, बिफोर सूट, सच टाइप ऑफ एक्शंस। होगी ना कि क्या है बहुतों में, क्या होगी ये चीज, बिफोर और आफ्टर वाली चीज क्या होगी, कॉमन है सब लगभग सब में। तो हमने इसको सब में मेंशन करने के बजाय वी हैव क्रिएटेड अ क्लास नेम बेस टेस्ट वेयर वी हैव मेंशनड बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास और बिफोर सूट, आफ्टर सूट, एंड दैट बेस टेस्ट क्लास इज एक्सटेंडेड टू ईच एंड एवरी टेस्टेंजी टेस्ट क्लास। जैसे यही टेस्ट केस वाली ना, जो टेस्ट एनजी की टेस्ट केस वाली क्लास है, इसके अंदर सब के अंदर तुम क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। तो अलग अलग सब में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है ये बात। तो अब भाई एक काम करिए, आज इतने पेरे वो करते हैं या, लेकिन देखिए आपको करना क्या है, या कर दे हम ही, अच्छा चलो कर ही देते हैं। तो यहां देखो कर लिए हो ना, क्या बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, अब सब जगह करना है ना, तो हम तो कहेंगे यार ये बिफोर मेथड आफ्टर मेथड का कोड उठा के कहां रख लो, बेस टेस्ट के अंदर। अब थोड़ा सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे ये देखो अब एरर आने लगी ना, ठीक है। एरर क्यों आने लगी भाई, क्योंकि वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा, ठीक है। तो हम तो कहेंगे भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे सॉरी ये है ना भैया, हम कह रहे हैं इसी को हम कर लें क्या, ध्यान से देखो, अब ऊप से याद करो जो पढ़े थे, यहां वाली चीजें अंदर भी जाएंगी ना, और पब्लिक प्राइवेट रहेगा तो नहीं जाएगा भाई, पब्लिक रहेगा तो जाएगा, लेकिन एक यहाँ जो सबसे जरूरी है, जब एक्सटेंड कर रहे हो और चाहते हो पेरेंट किसी वेरिएबल चाइल्ड को मिले या मेथड और दूसरों को ना मिले, तब वहां यूज करो इस कंसेप्ट को ना, प्रोटेक्टेड, ये चाइल्ड में अवेलेबल होगा और जगहों पे अवेलेबल नहीं होगा, और इसको भी बना दो क्या, लो जी। अब देखो क्या है एरर, अच्छा यहाँ पे अभी एक्सटेंड नहीं करें, कर दो एक्सटेंड, क्या नाम है, बेस टेस्ट, सही हो गया कि नहीं हो गया। अगर प्राइवेट लेके, हाँ ये भी कर सकते थे कि प्राइवेट के क्या क्या कर देते, उसको प्राइवेट बना देते और क्या बना देते, गेटर मेथड, और गेटर मेथड को प्रोटेक्टेड बना देते, तो वो गेटर मेथड यही अंदर यूज होता, बाहर यूज नहीं होता, बिल्कुल कर सकते। या फिर लॉन्गबॉक्स तो यूज कर ही रहे हो, हाँ प्राइवेट बना के एट द रेट क्या बना दो, जैसे ये देखो लॉन्गबॉक्स का यही फायदा है भाई, जैसे इसे क्या बना दो प्राइवेट, अगर तुम्हें लगता है कि ये बाहर भी अवेलेबल रहे तो प्राइवेट बनाओ बस। अगर देखो अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसी यही वेरिएबल बाहर रहे, दूसरा वाला वेरिएबल बाहर ना रहे, तो इसके ऊपर गेटर लगाओगे, तब इस वेरिएबल के ऊपर गेटर लगाओगे। लेकिन चाहोगे अगर कि इस हर इस क्लास के हर मेथड के साथ गेटर सेटर का कंसेप्ट काम करे, तो फिर कहां लगाओगे, क्लास के ऊपर। अब जितने वेरिएबल है सबके पास गेटर सेटर हो गया, अब जाओ जहां कहां यूज कर रहे थे, देखो अभी तो यहां एरर दे रहा होगा, डायरेक्ट नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन अब यूज करोगे, क्या नाम था उसका, गेट, ये तो होता है गेटर मेथड ना, लॉन्गबॉक्स याद करो भाई, और फिर यहां पे लिख दो उसका नाम भी सीसी था, तब नाम यार नाम सब बदलो थोड़ा, नहीं तो नाम यही लिखना पड़ेगा भाई, क्या गेट सीसी, ठीक है। इसको सही करना है, अभी सही करो, नहीं अभी सही करना, इसको नाम थोड़ा चेंज कर लेना, इसको अभी हम वो रहने देते हैं, क्या इसको हम अभी प्रोटेक्टेड ही रहने देते हैं।
अब भाई देखो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड तो लिखना नहीं है, तो अभी जानते नहीं हो भाई। और ये जरूर कर सकते हो तुम क्या कि लॉन्च ब्राउजर वाला काम रख दो कहां, बिफोर क्लास के अंदर। कहां गया? बिफोर क्लास के अंदर यहां रख दो क्या, लॉन्च करना, और आफ्टर क्लास कहां है? अच्छा नहीं, कोड तो वहीं ऊपर ही मिलेगा। ये देखो, ये जो इन्होंने मेथड कौन सा बनाया है, ये कोड डाल दो कहां, आफ्टर क्लास के अंदर। लो और लॉगिन लॉगआउट, अगर सारा कोड सही लिखा होगा तो अब इसको चलाओ, ये चलेगा। ऐसे ही हर क्लास के अंदर, जैसे मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट वैसे ही लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, वैसे ही इन्वेंटरी इनवॉइस टेस्ट स्क्रिप्ट, तीनों जगह पे इस क्लास को क्या कर दो तुम, स्टैंड कर और चला के देखो, अब चलेगा भाई। सोचो सही तरीका है ना। वैसे तो हर क्लास में अलग अलग देते, अब एक क्लास में दे के उस क्लास को हर क्लास के अंदर क्या कर दिए, स्टैंड। भाई देख लो क्या दिक्कत है। डिपेंड्स, अच्छा डिपेंड्स ऑन वन दिया गया है, आ गया। ये सब जो लिख दिया गया था इन सब की वजह से बोल रहा है। यहाँ कहाँ डिपेंड्स ऑन तो कुछ है ही नहीं ना, अभी खाली हम दिए हैं क्या ब्लैंक। बिल्कुल ये याद रखना टेस्ट जी, कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा टेस्ट जी चलाओगे तुरंत ही फट जाएगा। तो अक्सर कुछ ऐसा होगा कि जैसे डिपेंड्स ऑन में किसी का नाम दिए हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता, या जिसको चलाने को बोल रहे हो उसमें इनेबल्ड फॉल्स है, मतलब कुछ ऐसी क्या होगी कंडीशन होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलने लगा ना, हो सकता है चले, हो सकता है कुछ दिक्कत आए, तो इसको अब तुम्हें क्या करना होगा, सही करना होगा। डिबग करो और इसे क्या करो, सही कर लो। यही कॉपी सब लोग यूज करो। दोबारा क्यों चल गया भाई? अच्छा ऐसा भी हो सकता है भाई, यूजर नेम पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। लॉगिन कहाँ हो रहा है? हो तो रहा है। एक दिक्कत और भी होगी, एक टेस्ट केस में से तो हमने लॉगिन लॉगआउट हटा दिया, आगे के टेस्ट केस तो उसमें से हटाया नहीं, हटाया ना। अब वो सब सही क्या करना होगा, सही करना होगा ना। मेरा कहने का मतलब है अब तो लॉगिन लॉगआउट तुम्हें हर टेस्ट केस में करने की जरूरत नहीं है ना, तो जैसे एक टेस्ट केस के लिए हटा दिया था वैसे ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबके लिए हटाना पड़ेगा। जैसे हाँ इसके लिए हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम अब कहाँ से होगा, वहीं से हो जाएगा ना। ये सब हटाओ यहां से अब ना, ऐसे करके ये सब अपना आप सही करो और इसको चलाओ। अब तो तुम्हारे पास चला सब कुछ बना बनाया, जरा डिबग करो, इसी में सारा सेलेनियम सीख जाओगे भाई, ठीक है। और यही तुम्हारी लर्निंग भी हो जाएगी यार, इसको चलाओ। अब सब लोग अपने एंड से इसको चलाने की क्या करो, कोशिश करो, इसको सही करो, इसको समझो थोड़ा, और सब लोग अपने अपने सिस्टम पे चलाओ, इसको शेयर कर दो यार उस पे, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं और कल फिर आएंगे, तो कल तुम लोगों को वो भी बताएंगे मैनुअल भी, ठीक है। कल से ये रहेगा कि